कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे लास्ट क्लासेस में, उसी क्वेश्चंस के ऊपर चलिए हम डिस्कशन करते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने बताया था, आपको दिए थे कि हमारे पास एक डेटा है, डेटा में डेट है और डेट के अलावा ये हमारी क्लासेस जो है ना ये चीजें, तो मैंने एक क्वेश्चन तो आपको बता दिया था, बाकी क्वेश्चंस भी इसी के अकॉर्डिंग था। ठीक है, बस आपको लास्ट डेट और एंड फर्स्ट डेट और लास्ट डेट यहाँ पे कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करते ही आपका निकल जाता है। तो चलिए फॉर्मूले की आगे क्लासेस के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं आपका डेटाबेस लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूले। जैसे कि अभी अभी आपने क्या पढ़ा, समिफ का फॉर्मूला पढ़ा, राइट। तो समिफ में किसी या समिफ में आप किसी एक के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन आपके पास मल्टीपल कंडीशन होगा तब क्या करें। जैसे मुझे पूजा का टोटल चाहिए जो ग्रेटर देन 50 है, मुझे नीरज का टोटल चाहिए जिसकी एमआरपी ग्रेटर लेस देन सॉरी जिसकी क्वांटिटी जो है लेस देन 80 है, मुझे सुनील का ओवरऑल चाहिए और मुझे जीजीएन सिटी चाहिए, ओवरऑल डेटा डीएन सिटी। अभी सब का टोटल क्या होना चाहिए जी। तो प्रवीण जी, इसके लिए आपको जो है अलग अलग समीफ लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, समीफ या समीफ दिक्कत हो जाएगी ना सर, क्योंकि कंडीशन चेंज भी होते रहते हैं। अक्ल के किसी ने बोल दिया कि एमआरपी की जगह क्वांटिटी कर दिया, तो फिर फॉर्मूला आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए यही पे एक फॉर्मूला होता है डी सम, क्या होता है डी सम डेटाबेस सम, डी सम हम अप्लाई कीजिए और डी सम अप्लाई करने के बाद आप क्या करें, सिलेक्ट करें अपने डेटा को, अपने डेटा को सिलेक्ट करो। उसके बाद किस फील्ड का टोटल चाहिए, हमें चाहिए क्वांटिटी का टोटल, क्वांटिटी का टोटल। और यहां पे बात आती है बात क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, तो हम क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पे 4111 आ गया सर रिजल्ट जी। तो इसने इस सारे क्राइटेरिया के बिहाफ पे इकट्ठा टोटल निकाल दिया। ऐसे कुछ फॉर्मूले हैं जैसे कि डी एवरेज, डी एवरेज लगाने का, जितने भी डी वाले फॉर्मूले हैं लगाने का तरीका सेम है। लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस रिजल्ट अलग अलग। तो क्वांटिटी को सिलेक्ट किया और हमने सिलेक्ट कर ली अपनी क्राइटेरिया, तो एवरेज आ गया 44। ऐसे आता है डी काउंट, डी काउंट का फॉर्मूला नंबर काउंट करता है, एरिया को सिलेक्ट कीजिए, फील्ड को सिलेक्ट कीजिए और क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लीजिए। क्या हुआ सर, ज्वाइन नहीं करता है? लेकिन क्राइटेरिया सिलेक्ट करते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप हेडिंग को जरूर सिलेक्ट करें, तभी वो हेडिंग से हेडिंग को मैच करेगा। डी काउंट नंबर को काउंट कर दिया, ऐसे ही डी काउंट ए टेक्स्ट को काउंट करें, जैसे नेम को काउंट करना है, तो यहाँ पे नेम को ले लिया और यहाँ पे क्राइटेरिया ले लिया, रिजल्ट आपके सामने आ गया। तो काउंट और काउंटिंग, तो लगाने का तरीका आपने देखा सबमिट सेम है ना जी, क्या सर? हाँ सर सेम ही है। तो
तो क्या क्या इसके फॉर्मूले के बारे में देखते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ डेटाबेस फॉर्मूले में। डी एवरेज, एवरेज निकालता है। डी काउंट, नंबर निकल काउंट देता है। डी काउंट ए टेक्स्ट, डी गेट नंबर को ढूंढता है। जैसे मुझे पूजा को लुकअप करना है, किसको लुकअप करना है? पूजा को। जो दिल्ली में है उसकी क्वांटिटी चाहिए। तो यहाँ पे मल्टी कंडीशंस के लिए वी लुकअप में बताया था कि नहीं, रो इंसर्ट करते हैं फिर उसके अंदर अपना जो करना है वो करते क्या जी। लेकिन यहाँ पे आप डी गेट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। डी गेट, हमने डेटाबेस को सिलेक्ट किया। डी गेट का बेसिकली यूज क्या होता है सर? लुकअप करता है, जैसे ये बताएगा कि पूजा दिल्ली में क्या है उसका। वी लुकअप आप यूज करते हैं ना दस, जी जी, बट वी लुकअप में सिंगल कंडीशन होता है, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन आप डाल सकते हैं। समझे? जी। क्वांटिटी क्राइटेरिया, कल रिजल्ट सही आएगा। प्रवीण जी, रिजल्ट सही आएगा सर? सही है तो आना चाहिए। अब यही तो दिक्कत हो गई सर। हमने आपने बोला कि सर एक बार पढ़ा दीजिए, मैं इकट्ठा प्रैक्टिस कर लूंगा। अभी थोड़ा देर पहले मैंने कुछ बोला जो कि आप भूल गए। हमने बोला कि डेटाबेस के अंदर जो फॉर्मूलेज हैं, उन फॉर्मूलेज में क्राइटेरिया जो सिलेक्ट करते हैं उसका हेडिंग होना जरूरी है। समझना है आपको? हाँ, डी गेट में बोले थे ऊपर वाले फॉर्मूले, कहीं भी हमने डेटाबेस फॉर्मूले की बात की है तो डी गेट भी डेटाबेस फॉर्मूले के अंदर ही आती है ना। अच्छा अच्छा ठीक है। अब आगे रिजल्ट 9 जी। तो हेडिंग के, क्योंकि कैसे आप सोचिए ना कि कैसे देखेगा पूजा दिल्ली, किस में देखेगा वो, क्योंकि हमने इसमें तो पूरा का पूरा रेंज दिया हुआ है ना जी। पूजा और दिल्ली वो किस में मैच करेगा? तो यहाँ पे आपको ये पता करना चाहिए। अब डी गेट फॉर्मूला आप सोच रहे होंगे डी गेट फॉर्मूला वी लुकअप से अच्छा है, क्योंकि इसमें मल्टीपल लुकअप और मल्टीपल कंडीशन वगैरह आसानी से लगा रहे हैं, लेकिन यहीं पे गलत हो जाता है। जब आपके पास एक ही कंडीशन, एक ही टाइप डेटा दो बार रिपीट होगा, इसे यहाँ देखिए दो बार रिपीट हो गया ना जी, यहाँ एरर रहेगा। और ये एक बस एक सिंगल सेल वो कर सकते हो कि फिर नीचे ड्रैग नहीं कर सकते ना सर, उसकी हेडिंग कहाँ से लाओगे? तो मुझे अगर दो चार को निकालना है तो फिर नेम या हेडिंग वैल्यू, हेडिंग वैल्यू, हेडिंग वैल्यू रखना होगा ना जी। इससे डी गेट फॉर्मूला इतना सक्सेस नहीं था। तो डी गेट के बाद आता है डी मैक्स, जो कि मैक्सिमम नंबर निकालता है। डी गेट ड्रैग नहीं हो सकता? नहीं, ड्रैग कोई फॉर्मूला नहीं, ये सभी फॉर्मूला ड्रैग नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो एक क्राइटेरिया पे चल रहा है ना सर। ओके, मतलब अलग अलग ड्रैग करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया बनानी पड़ेगी। जी, ये समरी डेटाबेस है, मतलब कि समरी जैसे डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं ना, जहां पे आपको टोटल दिखाना है वहां पे इसका इस्तेमाल। ओके ठीक है सर, रिकॉर्डिंग की परमिशन। जरूर जरूर। और यहाँ पे डी मिन, मिनिमम वैल्यू निकालता है। डी प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता है, वेरिएंस निकालता है। सिंपल है, आप इसको ट्राई करके देखिएगा, लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। एक बार बता देता हूँ, आप शिवम जी आप लेट आए हैं, हम बात कर रहे हैं डेटाबेस फॉर्मूले की। मेरे पास ये डेटा आप देख पा रहे हैं, मुझे इसके अंदर इस क्राइटेरिया के ऊपर टोटल चाहिए कि पूजा एमआरपी ग्रेटर देन 50 होना चाहिए, नीरज क्वांटिटी ग्रेटर देन लेस देन 80 होना चाहिए, सुनील का ओवरऑल डेटा चाहिए और सिटी में जीजीएन का ओवरऑल डेटा चाहिए। समझ गए?
अगर सम इफ से लगाएंगे तो इंडिविजुअली यहाँ पे लगाना पड़ेगा जो कि पूरा मैनुअल होगा, करके डेट में अगर चेंज होता है कंडीशन, किसी ने सिटी ऐड कर दिया तो भी आपका सम इफ फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं डी गेट फॉर्मूला। डी गेट फॉर्मूला लगाने का तरीका सारे फॉर्मूले का एक ही है, सॉरी डी सम डी एवरेज डी काउंट डी मैक्स डी मीन डी प्रोडक्ट लगा सकते हैं, लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है। हमने डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया, किस फील्ड का चाहिए टोटल वो सिलेक्ट कर लीजिए और अपना क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लीजिए, और क्राइटेरिया में हेडिंग का होना जरूरी है हर फॉर्मूले के, डेटाबेस के हर फॉर्मूले के। समझ गए शिवम जी? जी 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 सर। ओके, अब हम बात करते हैं अगली फॉर्मूला जो कि हमारे पास है लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला। आप एफएक्स पे क्लिक करेंगे तो डेटाबेस के बाद आपको यहां पे दिखेगा इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला में एक फॉर्मूला लिस्ट इसके बारे में जा रही है। सबसे पहले आता है सेल। सेल फॉर्मूला इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट, देखिए इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला जो है ना जस्ट इन्फॉर्म करता है, इसका सिंगल फॉर्मूले का कोई रोल नहीं है, समझे? तो सेल फॉर्मूला में हमने बोला एड्रेस है, कलर है, कंटेन है, फाइल नेम सिलेक्ट कर दिया तो आपका पूरा फाइल नेम भी सीट नेम आ जाता है। अब मान लीजिए बस सीट नेम अलग करना है तो मैं फाइंड का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्लोजिंग ब्रैकेट दूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा एंड कॉमा वन, ये बता दिया कि 62 है, और फिर मैं यहाँ राइट का फॉर्मूला लगाया, इसको सिलेक्ट किया और इसमें से लेन, इसकी कंप्लीट लेन -62, रिजल्ट सीट बना गया। अब सीट का नाम जो भी चेंज करें, जैसे मैंने यहां पे चेंज कर लिया डेटा तो ऑलरेडी है, डी फॉर्मूला डीएफ आ गया डीएफ। तो सेल फॉर्मूला इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे एक इन्फो का फॉर्मूला है, इन्फो फॉर्मूला में सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ कि इसका सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए पीसी डॉस आ गया। ऐसे मैं इन्फो सिलेक्ट करता हूँ कि भाई इसका रिलीज कौन सा है तो बता दीजिए 16.0। अब बोलो इस सब का यूज क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने इस एरर का फॉर्मूला एक्स लुकअप का फॉर्मूला लगा दिया, अब मेरे सिस्टम में तो चल रहा है क्योंकि मेरा 16.0 है आपका क्या बोलते हैं एक्सेल। अब मान लीजिए कि अब मैं किसी को मेल किया, उसके पास अगर वर्जन नहीं है तो फॉर्मूला का रिजल्ट क्या आएगा, नेम आएगा ना सर, तो वहां आप एक कंडीशन डाल दो कि अगर इन्फो का रिजल्ट 16 से कम है तो मैसेज पॉपअप कर दे, मैसेज शो कर दे योर वर्जन इज लोअर, फॉर्मूला इज नॉट, दिस फॉर्मूला नॉट इन योर वर्जन, समझ रहे हैं सर? ताकि सामने वाला बंदा पता चल जाए कि ये फॉर्मूला एरर नहीं है, ये फॉर्मूला जो है वो हमारे लोअर वर्जन में नहीं है, तो वो समझ जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी फॉर्मूला है इसके अंदर, तो फॉर्मूला बार में ये आपका इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला ए आपको ये वर्क करता है। अब जैसे यहाँ पे एरर की टाइप देखिए, एरर टाइप फॉर्मूला, अब कोई एरर आया हुआ है, अब एक पर्टिकुलर एरर को जहाँ ये करना है और आइडेंटिफाई करके रिजल्ट पुट आउट करना है, हम इफ एरर यूज करते हैं, इफ एरर तो हर तरह के फॉर्म एरर को कर देता है, लेकिन मुझे पर्टिकुलर एरर को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हम लेते हैं एरर टाइप। अब एरर टाइप पे ध्यान रखिए कि नल का एरर आएगा तो रिजल्ट 1 आएगा, डीआईबी अगर आया तो 2 आएगा, वैल्यू आएगा तो 3 आएगा, आरएफ आया तो 4 आया, नेम आया तो 5 आया, नम आया तो 6 आया, एन आया तो 7, गेटिंग डेटा एरर 8, स्प्लिल का एरर 9, कनेक्ट 10 आया, ब्लॉक 11 आएगा, अननोन 12 आएगा, ये सारे नंबर्स हैं। जैसे इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया जैसे 7 आया, तो आप जानते हैं कि कौन सा एरर कब आता है। नल का एरर तब आएगा जब किसी डेटाबेस से आप
ये अपने डेटा को कनेक्ट कर रहा है, किसी डेटाबेस से अपने डेटा को कनेक्ट कर रहा है, और वहां ब्लैंक, अगर वहां ब्लैंक है तो आपका ये नल कह रहा है। डीआईबी एरर तब आएगा जब किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेगा। वैल्यू कब आएगा? जब फॉर्मूला को सही इनपुट नहीं मिला है, या फॉर्मूला को सही इनपुट नहीं मिला है। आरएफ आएगा जो फॉर्मूला आप लगा रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर नहीं सॉरी आरएफ तब आएगा जो आपने रेंज दिया है वो फॉर्मूले के रेंज से बाहर है, या फिर वो रेंज डिलीट की गई है, रेंज अवेलेबल नहीं है। तो नेम एरर कब आएगा? जो फॉर्मूला आपने लगाया है उसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, या वो फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करती है। नाम आपका डी गेट में आया था, एलने आपका वीलुकअप बगल में आता है। गेटिंग डेटा एरर, डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं लेकिन वो डेटा कनेक्ट नहीं कर पाता तो देगा। एस्पाइल का फॉर्मूला कब आता है? जब एरर फॉर्मूला लेते हैं और हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारते हैं, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारते समय हमारा एरिया कम पड़ जाता है, कनेक्टिंग नहीं हो पाती है। ब्लॉक जिससे कनेक्ट किया है वो आपको ब्लॉक कर रखा है, यूआरएल वगैरह अननोन, समझ में नहीं आया इसको। यहाँ पे फील्ड आया, इसको फील्ड की जरूरत है, एरे का अंदर आता है, और कैलकुलेशन में जो एरे आपने लगाया है उसमें अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आएगा कैलसी एरर। एरर टाइप इसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद कुछ इज के फॉर्मूले हैं, जान लें, जिसका रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आता है। इज ब्लैंक, ब्लैंक हुआ तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा। तो आता है इज एरर, एरर आएगा, हर तरह के एरर को आइडेंटिफाई करेगा, एक्सपेक्ट द एंड नहीं। जैसे अगर डीआईवी है तो ये देखिए ट्रू आया, बट एनए होगा तो ट्रू नहीं आएगा, फॉल्स आएगा। एनए को छोड़कर हर तरह के एरर को आइडेंटिफाई करता है। इज एरर किसी भी तरह के एरर को इसका यूज करता है। 2003 में जब इफ एरर फॉर्मूला नहीं था तो हम लोग इज एरर का ही यूज करते थे, इफ एरर की तरह। देन यहां पे आता है इज इज इवन, अगर इवन नंबर है तो इज इवन ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। इज लॉजिकल, इज फॉर्मूला, किसी सेल को आपने सिलेक्ट किया है अगर वो फॉर्मूला है तो ट्रू आएगा, अदर फॉल्स आएगा। इज लॉजिकल, अगर ट्रू फॉल्स है तो ट्रू आएगा, अदर फॉल्स आएगा। एन ए, सिर्फ एन ए एरर को ट्रू करेगा, अदरवाइज सारे एरर को फॉल्स करेगा। इज नॉन टेक्स, नंबर को ट्रू करेगा और फॉल्स करेगा। इज नंबर, नॉन टेक्स में आपका ट्रू फॉल्स भी आता है, नंबर ट्रू फॉल्स नहीं आता है, ट्रू फॉल्स नंबर कंसिडर नहीं करता। इज ऑड, ऑड हो गया, ठीक है। इज आरएफ हो गया, इज टेक्स्ट हो गया, ये सब रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में देते हैं। तो इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला खुद इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन किसी फॉर्मूले के साथ मिलके अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपने देखा कि मुझे जो सीट नेम है यहाँ पे टाइप है वो बाहर चाहिए, तो इसके लिए हमने सेल फॉर्मूले का लगाया, सेल फॉर्मूले ने पूरा पाथ विद सीट नेम दे दिया, और जो फाइल का नेम होता है उसने उसको बड़ी ब्रैकेट में दिया। तो मैंने क्या किया, फाइंड का फॉर्मूला लगाया और बड़ी ब्रैकेट से बड़ी ब्रैकेट का लोकेशन पता चल कर लिया, क्लोजिंग बड़ी ब्रैकेट की, स्क्वायर ब्रैकेट की, और फिर हमने लेफ्ट और लेन फॉर्मूले की मदद से हमने सीट नेम को अलग कर लिया। तो सेल फॉर्मूला नहीं होता तो बाकी फॉर्मूले से कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन सेल फॉर्मूला था जो कि इसने अलग किया, और सिर्फ सेल फॉर्मूले से भी इंफॉर्मेशन फाइल का पास से क्या पता चलता। समझ गए शिवम जी? जी जी सर जी। अब यहाँ पे दो कैटेगरी के फॉर्मूले हमने फिनिश कर दिए। अब लास्ट एक क्लास बच जाती है कैटेगरी फॉर्मूले की, जो कि है फाइनेंशियल कैटेगरी, जो कि हम कल करेंगे। फिर उसके बाद हम एडवांस फॉर्मूले की तरफ मूव करेंगे, ठीक है?